कैसे यश के बॉडीगार्ड को मिल गया था गरुड़ा का किरदार, क्या है KGF चैप्टर 2 की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जयाल। आजकल फिल्मी घरानों में इन दिनों हर ओर KGF चैप्टर 2 की चर्चा है। इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जिसने हड़कंप मचा दिया है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म KGF चैप्टर 1 ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। KGF चैप्टर 2 भी कुछ ऐसा ही करेगी। 1 में श्रीनिधि शेट्टी, अर्चना जॉयस और कई दूसरे सितारे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो मुख्य विलन गरुड़ा था उसका रोल किसने निभाया था। मामला दिलचस्प है और शायद आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि गरुड़ा का रोल निभाने वाले रामचंद्र राजू असल में यश के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, KGF में गरुड़ा एक ऐसा किरदार था जिसे देखकर ही सिहरन पैदा होती थी। KGF गोल्ड माफिया सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा बिल्कुल असली विलन। फिल्म में राम ने इस किरदार को इतने खूबसूरत ढंग से निभाया कि उन्हें पर्दे पर देखते ही नफरत, चीख, गुस्से के भाव पैदा होते थे। एक कलाकार के लिए इससे बड़ी सफलता क्या होगी कि उसके निभाए विलन के किरदार से लोग नफरत करने लगे। ये दिलचस्प बात है कि रामचंद्र राजू पूर्व में एक्टर नहीं थे, वो लंबे समय तक यश के साथ रहे, उनके बॉडीगार्ड रहे, दोनों लंबे समय तक एक दूसरे को जानते थे। KGF के बाद रामचंद्र को कई फिल्में मिली। उनकी अपकमिंग फिल्मों में सुल्तान के अलावा जयम रवि, अर्जुन सारजा जैसी फिल्में हैं। इसके अलावा एक तेलुगु फिल्म में भी वो किरदार करने वाले हैं। KGF के डायरेक्टर और राइटर प्रशांत नील ने ही पहली बार रामचंद्र राजू को देखा था, तब वो KGF की स्क्रिप्ट को लेकर यश से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने रामचंद्र राजू से कहा कि वो गरुड़ा का रोल करेंगे, ऑडिशन दें। इसके बाद राम ने एक्टिंग वर्कशॉप में हिस्सा लिया, एक साल तक जिम में खूब पसीना बहाया और एक परफेक्ट विलन बनकर यश के सामने खड़े हो गए। अपने एक इंटरव्यू में रामचंद्र राजू ने कहा कि उन्होंने कभी ये सोचा तक नहीं था कि वो फिल्मों में काम करेंगे। गरुड़ा के किरदार ने उन्हें जैसी पॉपुलैरिटी दी है उसे वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वो कहते हैं, हाँ ये सच है कि जब फिल्म बनकर तैयार हुई मैं तभी ये समझ गया था कि ये सुपर डुपर हिट होगी। KGF चैप्टर 1 साल 2018 में रिलीज हुई थी। ये पहली कन्नड़ फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। ये पहली कन्नड़ फिल्म है जो पाकिस्तान में भी रिलीज हुई। अब KGF चैप्टर 2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। इस फिल्म में यश यानी रॉकी भाई के नए सिरे से उदय की कहानी लिखी जाएगी। इस फिल्म में संजय अधीरा के किरदार में है, वहीं रमिका सेन बनी हुई नजर आएंगी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का प्ले करने वाली है। तो दोस्तों ये थी गरुड़ा की कहानी कि कैसे बॉडीगार्ड गरुड़ा बना। और वाकई ऐसी ऐतिहासिक फिल्मों में कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं। आपको कितना इंतज़ार है KGF चैप्टर 2 का ज़रूर बताइएगा। और ख़बरों की माने तो मार्च तक इस फिल्म को रिलीज़ किए जाने का प्लान है। तो लिखिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में कितना वेट है और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।